केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार में मोर्चा संभाले रखा। आज जेपी नड्डा के बिहार दौरे का दूसरा दिन था और अपने दौरे के पहले दिन की तरह आज भी जेपी नड्डा ने बिहार को कई तोहफों से नवाजा। जेपी नड्डा ने बिहार दौरे के अपने दूसरे दिन बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बिहार को एक के बाद एक कई तोहफे देते हुए नजर आए। सुबह सबसे पहले जेपी नड्डा श्री हरमंदर पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचते हैं, उन्होंने मत्था टेका, अरदास की। गुरुद्वारे के बाद जेपी नड्डा खाजूखला घाट के पास दलित बस्ती पहुंचते हैं, सदस्यता अभियान चलाया, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई तोहफे भी बिहार को दिए हैं। अब इनके दौरे से जुड़ी बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए जरा आप समझिए। जेपी नड्डा अस्पताल को स्वागत देते हुए नजर आए। पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। पीएमसीएच में दरअसल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच बन रहा है और इसी को लेकर के वहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं और जेपी नड्डा ने भवनों के निर्माण कार्य का इस दौरान जायजा भी लिया है। इसके साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं को उन्होंने निरीक्षण भी किया है, किस तरीके की फैसिलिटीज वहां पर मिल रही हैं ये भी उन्होंने सुनिश्चित करने को कहा है तमाम अधिकारियों को। और इसी बीच जेपी नड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, विधानसभा के स्पीकर नंद किशोर यादव, स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा फिर पहुंचते हैं दरभंगा, यहाँ पर भी उन्होंने बिहार की जनता को कई सारे तोहफे दिए। अब दरभंगा में उन्होंने क्या तोहफे दिए हैं यह ग्राफिक्स के जरिए जरा आप समझिए। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के लिए चिन्हित जमीन का उन्होंने जायजा इस दौरान लिया है। इसके बाद डीएमसीएच परिसर में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया। इसके बाद की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी जेपी नड्डा ने उद्घाटन इस दौरान किया है। बड़ी बात यह है कि ये जो तमाम विकास कार्य हैं, जाहिर है कि इससे बिहार को आने वाले दिनों में काफी ज्यादा फायदा होगा। खासतौर पर अगर मेडिकली हम बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दी। अपने बिहार दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना भी साधा, कांग्रेस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्ष किए जाने का आरोप लगाया, याद दिलाया कि बीजेपी की पहल पर ही वीपी सिंह की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने की बात की। कार्यक्रम के बाद जेपी नड्डा ने दलित के घर जाकर पार्टी नेताओं के साथ चाय की चुस्की ली, बाद में वो यहां से पटना के लिए रवाना हो गए। हमारी बीजेपी थी, अटल जी की सरकार थी, जब पहला दलित अध्यक्ष लोकसभा का बनाया गया बाल योगी जी को, वो अभी हमारे समय में। आज 71 मंत्रियों में मोदी जी के 10 मंत्री हमारे दलित भाई हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है 4 करोड़ में 1,77,00,000 घर जो मिले हैं वो हमारे दलित भाइयों को और आदिवासी भाइयों को मिले हैं। 1,77,00,000 लगभग। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हर विकास की योजना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री हमारे जल जीवन मिशन, हमारे सभी योजनाओं में आयुष्मान भारत, इसमें सबसे ज्यादा हमारे दलित भाइयों को उनकी व्यवस्था करने का काम इन योजनाओं के तहत किया जा रहा है। इसको हमको ध्यान में रखना।